नजारा फरीदाबाद के एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में डबुआ कॉलोनी फल सब्जी मंडी का है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए हैं। सीएम नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। नायब सैनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा हुई गिरफ्तारी को लेकर कहा कि जब ईडी द्वारा उन्हें बार बार बुलाया गया और उन्हें कहा गया लेकिन वो नहीं गए। ईडी का पूछने का अधिकार है, अब ये तो है नहीं कि आंखें बंद करे बैठे हैं। अगर घोटालों का पैसा उनके पास आया है तो बताना चाहिए था, क्यों जेल जाते, लेकिन वही तो घोटालों में कांग्रेस से भी ऊपर है। इस मौके पर नायब सिंह सैनी कांग्रेस पार्टी तथा केंद्र में कांग्रेस हाई कमांड पर भी जमकर बरसे। प्रदेश के लोगों का जो प्यार और जो जोश आज दिखाई दे रहा है, मैं पीछे भी फरीदाबाद लोकसभा में कई बार आने का मौका मिला है, पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, पूरे प्रदेश से एक ही आवाज हर व्यक्ति की आ रही है कि अब की बार 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मैं फरीदाबाद के एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार कृष्णपाल 10 लाख पार, ये आवाज आ रही है। और सबसे बड़े बहुमत से कृष्णपाल जी जीतेंगे, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो एक नई करवट ली है, जो गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, जो किसानों को मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, और युवाओं को चाहे स्टार्टअप है, स्टैंडअप है, चाहे और उनको मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम, अगर स्टार्टअप के अंदर हम देखें 80 लाख से ज़्यादा युवाओं ने आज देश के अंदर स्टार्टअप शुरू किए हैं, 100 से ज़्यादा युवाओं ने यूनिकॉर्न के अंदर उनको तब्दील किया है। ये सरकार जब उनको सपोर्ट करती है और सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाने का काम करती है तो युवा भी हमारा मजबूती से आगे बढ़ता है। आज अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार का सिस्टम ये पहली बार आया है कि युवाओं के अंदर जो विश्वास सरकार की तरफ बढ़ा है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के पहली बार युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, और उसका परिणाम ये निकला कि कांग्रेस के समय के अंदर जो नौकरी दी जाती थी वो भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर नौकरी दी जाती थी, युवाओं विश्वास खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु आज नौकरियां बिना भेदभाव बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर देने का काम। सीएम साहब, मनोज वाधवा ने बीजेपी नेता है, इस्तीफा दे दिया, चर्चा ये है कि कांग्रेस की तरफ से आपके खिलाफ में उनको चुनाव लड़ाया जाए। देखिए, क्योंकि हमने कहा है कि हमने काम किए हैं और